दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इज्जू की बिजनेस आइडियाज में। आज हमारी विजिट है आयुष गोट फार्म जो कटिहार नियर कुरसेला में आता है। तो पूरा एड्रेस फार्म के ऑनर साहब से खुद जानना चाहेंगे। ये फार्म एक टापू पे है, चारों तरफ से एक नदी है, गंगा नदी। तो पूरी जानकारी फार्म के ऑनर साहब से जानना चाहेंगे। तो चलिए मैं मिलवाता हूँ फार्म के ऑनर साहब से। उससे पहले हमारे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इज्जू की बिजनेस आइडियाज में। क्या नाम हुआ सर? सरोज कुमार यादव। पूरा एड्रेस भी बता दें ताकि लोगों को आसानी हो जानने में। ये गोबराही दीरा बोलता है जी, ग्राम पंचायत तिनघरिया जी, थाना कुरसेला, जिला कटिहार जी, बिहार। ये एक टापू पे है जी। हाँ, इसको टापू ही कहा जाए जी। हाँ, चारों तरफ से गंगा नदी से घिरा हुआ है जी। और हम लोगों का जमीन है यहाँ पे, बसा है, बहुत सारी आबादी यहाँ पे है जी। और खेती गृहस्थी लोग करता है यहाँ पर, बहुत सारे किसान है जो अपना बकरी पालन करता है, खेती करता है, गाय पालता है, भैंस पालता है जी। और बहुत मजे से जीवन व्यतीत करता है। आपने इस फार्म को स्टार्ट किया है, हाँ। कितनी बकरियों से स्टार्ट किया था सर? हम 28 बकरियों से स्टार्ट किए थे इस फार्म को। किस नस्ल से? हमारे पास नस्ल में ये जमुनापारी का मेल देख रहे हैं जी, तोतापारी फीमेल है जी, और जमुनापारी का फीमेल है 7 जी, सिरोही नस्ल का है, बरबरी नस्ल का है जी, और ब्लैक बंगाल नस्ल का देसी नस्ल हमारा जो ब्लैक बंगाल जी, है जी, 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 तो बहुत परेशानी होती है हमारे यहाँ, ये नस्ल मिलती नहीं है। बहुत से लोग चाहते तो हैं करना, बट कुछ सेल्समैन ऐसे हैं जो या तो दाम ज़्यादा लेते हैं, बहुत मुश्किल से मिल पाता है ये। जब भी कभी किसी किसान को बकरी खरीदना चाहिए जी, या तो विश्वास पात्र व्यक्ति से खरीदना चाहिए जी, या नहीं तो मथुरा में मंडी है, राजस्थान में मंडी है जी, मंडी से जाकर खरीदना चाहिए ताकि वहाँ जो है बकरियाँ मिलती है सस्ता में जी। फार्म वाले लोग जो यूट्यूब पर जो अपना देते हैं विवरण कि हम फार्म चलाते हैं, बकरी फार्म चलाते हैं जी, वो लोग बहुत लूट लेता है। हाँ, बहुत सारे वीडियो में 50,000 का बकरी, 70,000 का बकरी ऐसा सुनने में आता है जी 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 जी। तो वहाँ से ना खरीदें, मंडी जाकर खरीदें जी। हाँ, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा सर आपसे कि बहुत मुश्किल होता है अगर कोई फार्म करता है तो मकसद तो यही है कि बकरी को बेचना जी, मकसद तो यही है कि उसका मेल तैयार करके बेचे जी। फार्म तो दो तरह से किया जाता है, या तो खस्सी तैयार करके बकरीद पे बेचे, या फिर खुद प्रोडक्शन करे, बकरियां रखकर प्रोडक्शन करे, जैसा आप कर रहे हैं। जैसे आपके पास लगभग मैं समझता हूँ 25 से 30 टोटल आपने बच्चे, 40 प्लस है सर। हाँ, लगभग बच्चे वच्चे मिलाकर लगभग 40 प्लस है आपके पास, जिसमें फीमेल ज्यादा है, यानी प्रोडक्शन का काम आपका हो रहा है। आपने भी तो कई सोच कर रखा होगा कि मैं ये सेल कहाँ करूँगा। सर हमारा जो सेल की व्यवस्था है ना जी, सेल की व्यवस्था के विषय में मेरा उद्देश्य है कि हम इसको कोलकाता में सेल करेंगे जी। और बकरी फार्म हम इस उद्देश्य से नहीं खोले हैं कि अपना बेनिफिट हो जी जी। हमारे बिहार में किसी प्रकार का कोई जैसे कहा जाता है कि नस्ल जो है बिहार का कोई नस्ल नहीं है, ब्लैक बंगाल के अलावा, ब्लैक बंगाल के अलावा कोई नस्ल नहीं है जी। लेकिन हम बिहार वासियों को यह संदेश देना चाहते हैं जी, हम बड़े प्रोडक्ट लेके जैसे जमुनापारी, तोतापारी, इस तरह का मेल लेकर और अपना ब्लैक बंगाल से प्रोडक्ट तैयार करके ऊंचे दामों में मार्केट में बेचे, हाँ, ताकि हमारी कमाई ज्यादा हो जी। और मेरा एक अलग नस्ल तैयार हो जो बिहार सरकार कल दिन यह भी कहे कि हमारा बिहार का कोई नस्ल है। इनको क्या देते हैं फीडिंग में, कोई खर्च? यहाँ पर हम इसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं जी। चरागाह है अपना, आप देख ही रहे हैं जी, बहुत सारा। और इस चरागाह में चर के आता है भरपेट जी, और बकरी या बकरा मेरा कैसा है यह तो आपको बताएगा इसका स्वास्थ्य। हाँ, काफी चमक भी है इनके बर्डन बॉडी पे जी, जो देखने में आ रहा है। तो ये काफी कम होता है, यानी कि आप उसको मटेरियल देने के बाद भी इस तरह का नहीं देख पाते हैं, कर पाते हैं लोग। बकरी फार्म में जो कमाई के जरिए से लोग आता है जी,
और बताते हैं लोग कि हम इतना अनाज देते हैं, इतना खर्च करते हैं जी। अगर हम एक बकरी के पीछे 20 रुपया खर्च करते हैं जी, अनाज में, दवाई में, तो फिर हमको कुछ नहीं बचता है। 20 रुपया प्रतिदिन का मतलब हो गया 600 रुपया महीना जी, और 7200 रुपया सालाना जी। 7200 रुपया सालाना अगर हम एक बकरी में खर्च करते हैं तो हमको क्या बचेगा? हाँ, बहुत कम बचेगा। जो उस हिसाब से हमारे बिहार में रेट नहीं मिल पाएगा। नहीं, यहाँ पे तो लोग बहुत से कम देहात साइड में 10,000-12,000 का मेल खस्सी खरीद कर कुर्बानी कर लेते हैं जी। तो उसी हिसाब से हमें तैयार भी करना है जी। ज्यादा महंगा तैयार करते हैं जो हम लोगों का रेशियो है, जो हमारे समाज में या हमारे क्षेत्र में जो डिमांड है जी, उस डिमांड को पूर्ति करने के लिए जी, बकरी फार्म अगर कोई भाई खोलना चाहता है जी, हम उससे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप बकरी फार्म खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए 2 से 3 एकड़ में एक चारागाह चाहिए। 2-3 एकड़ में चारागाह चाहिए जी। जी, जिससे बकरी चर के, भरपेट चर के स्वस्थ और संतुष्ट रहेगी जी। उसको कितना ही खिलाइएगा, जो जीव जिस चीज का आहार ग्रहण करता है, जैसे जानवर का आहार होता है घास जी, सही बात जी। अगर हम उसको अनाज खिलाएंगे जी तो अनाज उसको नहीं पचेगा, क्योंकि अनाज मानव का होता है जी। उसके लिए हमको उसके लिए लिवर टॉनिक चाहिए जी, वगैरह वगैरह दवाई चाहिए, तो वो हम दे नहीं पाएंगे। अगर देंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा पड़ेगा, उससे कमाई में हमको कमी आएगी जी। तो आपकी सोच ये है कि बकरी पालन सबसे ज्यादा अगर मुनाफे का है तो उसको चराकर, चरागाह से हम 28 बकरी से स्टार्टिंग किए थे जी, अभी हमारे पास 40 प्लस है और मात्र 6 महीना हुआ है। और कुछ लॉस भी हुए शुरू में? आपने कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया फार्म किया तो? नहीं, प्रशिक्षण तो हमारी पत्नी ने बकरी पालन का प्रशिक्षण लिया है और वही डीलिंग करती थी, यहाँ पर भी वही डीलिंग करती है। अच्छा, क्योंकि दूर होने के बावजूद भी जी जी, जिस प्रकार धीरू भाई अंबानी ने कहा था जी, कि कर लो दुनिया मुट्ठी में जी जी, समझे, तो वो बात आज तक हमें याद है जी, कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया मुट्ठी में करने का मतलब है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम स्वतः रह कर करें, यह नहीं कि हम करवाए। वीडियो कॉलिंग का युग है, तबीयत खराब है, वीडियो कॉलिंग से बात हुई, तुरंत देखे कैसा अवस्था है, ये अवस्था है जी। वहां से डीलिंग हो जाता है कि नहीं इसको ये चीज दो जी। तो सारा चीज यहां पर उपलब्ध है। अच्छा जी हाँ, यानी कि आपने इन सभी बकरों को देखने के लिए आदमी रखा है जी, और आपका खुद दूसरा व्यवसाय भी है जी? हम जॉब करते हैं। आप? हम सरकारी जॉब में हैं, सरकारी जॉब के में जॉब करते हैं। अच्छा, सरकारी जॉब के साथ साथ आपने इस फार्म को स्टार्ट किया और बढ़िया से चला रहे हैं? ये फार्म हम तो चला ही रहे हैं जी, लेकिन इस फार्म को चलाने वाली मेन मेरी पत्नी है, वाइफ है। अच्छा, आपकी वही मेन मालकिन इसकी है? अच्छा, वही देखते हैं ज्यादा? जी हाँ, डीलिंग वही करती है, डीलिंग वही करती है। इनके पीछे मंथली खर्च क्या आता होगा सर? इसके पीछे मंथली खर्च हमारा खिलाने पिलाने से नहीं, स्टाफ खर्चा में आ जाता है 10,000 रुपया पर मंथ। 10,000 रुपया पर मंथ जी, शुरू से जी। और आपके परिवार में से कोई टाइम नहीं दे पाते हैं, वर्कर पे डिपेंड है? नहीं देते हैं, भाई लोग यहाँ देखते हैं, कैसे नहीं देखते, परिवार का तो सदस्य है ही। परिवार के लोग भी यहाँ आते हैं? हाँ। जैसे बहुत मुश्किल होता होगा आप बोर्ड में आना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आए लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं बोर्ड में आने में जी, शिप में आने में, यानी कि यहाँ आए तो पूरा दिन। अभी बरसात का मौसम है सर जी, अभी तो समय लगेगा ही, क्योंकि नदी गंगा नदी है, उफान पर है जी, तो अभी समय लगेगा ही। हाँ। यहाँ पर हमारा खेती पत्ती है जी जी, गाड़ी घोड़ा है, भैंस है जी, बकरी है जी, सारा व्यवस्था यहाँ पर है जी। और यहाँ पर मेरे बड़े भाई भी रहते हैं। अच्छा। प्राय वो समय देते हैं, हम भी जब छुट्टी आते हैं तब यहाँ समय देते हैं, जिस प्रकार आज आपके पास समय दे रहे हैं। अगर किसी फार्मर के पास जो फार्म करना चाहता हो, जॉब कर से बढ़िया समझ रहा हो, गाय बकरा फार्म करना चाह रहा है और उसके पास 5 एकड़ जमीन नहीं है या 2-3 एकड़ भी जमीन नहीं है, अपना इंस्टॉल फीडिंग पे वो करना चाहता है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? उसके लिए हम यही कहेंगे कि वह बर्बरी नस्ल पाले। बर्बरी नस्ल पाले जी। उनके क्या फायदे हैं बर्बरी? बर्बरी नस्ल को आप चाहे जिस प्रकार रख सकते हैं, चाहे जिस प्रकार रख सकते हैं। हाँ, इंस्टॉल फीडिंग पर रखिए या चरा कर रखिए, जैसे भी रखिए। सबसे बढ़िया नस्ल आप किसको बताएंगे? बर्बरी है, सबसे बढ़िया परी है। तोता परी भी आपकी बढ़िया है? ये भी आपने वहीं से राजस्थान से खरीदा था? कुर्बानी में जो भी बकरा सबसे ज्यादा दाम में बिकता है
जी वो तोता परी आपके अनुसार आपने आपके देखा? अनुसार नहीं, हम जो वीडियो देखते हैं उसके अनुसार। बिल्का कीड़े का दवा ये सभी के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तो क्या वो सभी सरकारी सुविधा उपलब्ध हो जाती है सर? हाँ, मैं वो हमारे अस्पताल में मवेशी अस्पताल में अभी डॉक्टर प्रभास जी हैं जी, जिसके द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाती है। जगहों पे ये चीज की कमी आती है इसलिए मैंने पूछा नहीं, और ये तो बहुत ज्यादा टापू पे होने की वजह से आप यह चीज स्वयं देखे की आपके साथ कैसे देखे की मवेशी अस्पताल के कर्मचारी किस प्रकार दवाई वितरण कर रहे हैं, किस प्रकार वैक्सीन कर रहे हैं। हाँ, आया भी थे और बढ़िया कर भी रहे हैं। ये चीज वही मैं जान कर, लोगों को तो नहीं पता ना सर, इसलिए मैं जानना उचित समझा। नहीं, सरकारी अस्पताल के तरफ से, सरकारी मवेशी अस्पताल के तरफ से जी सारी योजनाओं का लाभ जी, खास करके डॉक्टर प्रभास जी के द्वारा जी, समझे, जबरदस्त चल रहा है। अगर कोई बंदा इस फार्म को करना चाहता है, बकरा पालन करना चाहता है, अगर वो जैसे आपने बताया कि मैं 28 बकरी से स्टार्ट किया था, तो अगले एक साल में वो कितना मुनाफा कमा सकता है? हम तो अभी मुनाफा नहीं कमाए हैं, लेकिन हम उनको सलाह यही देंगे जी कि जो अपना ब्लैक बंगाल बकरी है जी, समझे जी, वो ब्लैक बंगाल बढ़िया बढ़िया बकरी खरीदे जी, और उसके लिए मेल एक बढ़िया खरीदे, जैसे जमुनापरी का हो, सिरुखी का हो जी, या तोतापरी का हो जी, या सोहजत का हो जी, या और किसी का नस्ल का हो, उससे मतलब जो बड़े क्रॉस नस्ल जो पैदा होगा ना जी, वो सुंदर और वजन वाला जी, और दाम देने वाला, जिस नस्ल को हम आम मार्केट में, हमारे लोकल मार्केट में भी अच्छा दाम दे देगा, अच्छा दाम में बेच सकते हैं जी। तो मैं जानना चाहूंगा, आपके पास जमुनापरी का ब्रीडर है, उससे आपने किसी छोटे बकरी से यानी कि बर्बरी से या फिर देसी ब्रीड में कम से कम 200 बकरी के साथ इसका मेल हुआ? इस मेल के साथ, इससे देखिए, इससे ये है इसके साथ जी, इसका मेरे पास 8 महीना हुआ, इसको 8 महीना हुआ जी है। हाँ, इसको सब सर्वप्रथम हम इसी को लिए थे। अच्छा, 8 महीना हुआ जी, और कम से कम अभी हमारे पंचायत में 400 बच्चा इसका होगा। ये आपके पंचायत में 400 बच्चा हो गया होगा इनका? जी जी जी। तो हाँ, इसका वजह आप चार्ज करते हैं या फिर फ्री में आप सेवा देते हैं? तो सामाजिक सेवा है, हम तो सामाजिक व्यक्ति हैं। अच्छा, हम फ्री में इनका समाज विकास न करे जी, अच्छा बात नहीं है, स्वयं का विकास हो, समाज का विकास हो। तो उनका जो बच्चा निकला वो किस टाइप का आपने कभी देखा सर, या फिर सुना किसी गांव वालों के नाम? नहीं नहीं, हम आंख से देखे हैं। मतलब क्या हाइट लिया, वेट गेन बढ़ा उसका? अच्छा, मैं ये जानना, अच्छा वेट में है जी, समझे, जमुनापरी के इतना बड़ा तो नहीं होगा, समझे जी, लेकिन ब्लैक बंगाल के जैसा अभी वह नहीं रहेगा, वो उससे बढ़िया ग्रोथ, उससे बढ़िया ग्रोथ रहेगा, ग्रोथ रहेगा जी। तो मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा सर का, ये बर्बरी फेमेल था और इसी ब्रीडर का ये बच्चा देख पा रहे हैं सामने। कितने दिन का सर बच्चा है ये, मैं जो देख पा रहा हूँ सामने? ये अभी बच्चा 4-5 दिन का है, 4-5 दिन का ये बच्चा देख पा रहे हैं। हाइट आपको इसके देखने के बाद समझ में आएगा। दूसरा मैं एक और बच्चा दिखाना चाहूंगा, ये जमुनापरी मेल से क्रॉस बर्बरी का था, और दूसरा यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये बर्बरी टू बर्बरी का ही है। इसका हाइट आपको, ये कितने दिन का बच्चा है सर? ये 4 दिन का बच्चा, 3 दिन का है ये, 3 दिन का है और 4 दिन, यानी दोनों बराबर है? हाँ, 5 दिन और 3 दिन, मतलब 1-2 दिन का डिफरेंट है। इसका हाइट आपको समझ में आ रहा होगा देखने के बाद, और दूसरा वाले का हाइट भी समझ में आया, यानी कि इससे साबित होता है कि आप अगर छोटे बकरी को बड़े बकरी से क्रॉस करवाते हैं तो आपका एक बढ़िया साइज निकल के आएगा जी, है ना सर? जी। ताकि आप बकरीद में या फिर होली में जब भी बेचें तो उसका उचित दाम मिल सके। नहीं, एक चीज और हम कहना चाहते हैं, बोलिए, बड़े बकरे से उस बकरी को मेल कराया जाए जी जो योग्य हो, यानी बिल्कुल छोटा बकरी ना हो, हम दूसरी ब्यात में तीसरी चौथी ब्यात वाला बकरी, हाँ, साइज में, हाँ, ताकि फर्स्ट इलेक्ट्रिशन में बच्चा देने में कठिनाई ना हो, फर्स्ट इलेक्ट्रिशन में ना कराएं जी, ना फर्स्ट इलेक्ट्रिशन में ना कराएं, हाइट वेट गेन देख कर उसको कराएं, ताकि वो अच्छा से आसानी से बच्चा दे सके जी। अभी देखिए, डॉक्टर सुभाष जी के तरफ से जो भेजा हुआ है टीम जी, वो टीम में ये लोग हैं,
ये लोग हैं तीनों आदमी, अभी वैक्सीन कर रहे थे। अच्छा, ये तीनों आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं? हाँ, यानी कि ब्लॉक के हॉस्पिटल के द्वारा, मवेशी हॉस्पिटल के द्वारा। मवेशी हॉस्पिटल के द्वारा। एक मेरा करीबी जो फार्म का देख रेख करता है यहाँ का लोकल डॉक्टर, डॉक्टर शकुन। हाँ, जब किया जाए। हाँ, मतलब ये आपके फार्म के देखभाल, जैसे आप नहीं रहे तो भी फोन कॉल्स पे आ जाते हैं। मैं यहाँ के वर्कर्स से भी मिलना चाहूँगा। जी, यहाँ पर है हमारा एक भाई समान है। जी जी, जुल्मी ये है, आओ, यही देख रेख करता है यहाँ पर। अच्छा, आप हैं जुल्मी नाम है इनका। जी, देखते हैं या और कोई लोग भी हैं? अच्छा, आप लोग दो लोग मिलकर इस फार्म को, सर नहीं रहने के बाद भी आप इस फार्म को चला रहे हैं।